नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुहा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम सब लोग इंस्टेंट हार्टिकल्चर में वेजिटेबल क्रॉप का 27वां लेक्चर पढ़ने वाले हैं, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे कल्टिवेशन ऑफ पेरेनियल वेजिटेबल्स का पार्ट वन। कुछ ऐसी वेजिटेबल्स होती हैं जो एनुअल ना होकर, बायनियल ना होकर पेरेनियल होती हैं, काफ़ी रेयर वेजिटेबल होती हैं, या ऐसा कह सकते हो कि माइनर वेजिटेबल होती हैं जिनको बहुत कम यूज करते हैं, साल भर में 2-4-6 बार खाते हैं, गोभी और आलू के तरीके से, बैगन के तरीके से नहीं होती हैं कि इनको हम बराबर खाते रहते हैं। ये कुछ ऐसी सब्जियां होती हैं जिनको हम बहुत कम यूज़ करते हैं, लेकिन ये न्यूट्रिएटिव वैल्यू इनकी बहुत ज़्यादा होती है। हम अपने डेली रूटीन में इसको तो कम खाते हैं, लेकिन इनकी न्यूट्रिएटिव वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है। कुछ तो ऐसी होती हैं कि दवा के रूप में भी, जो आयुर्वेदिक दवाएँ होती हैं उनके रूप में भी यूज किया जाता है। तो इन्हीं पेरेनियल वेजिटेबल्स का आज हम पहला पार्ट पढ़ने वाले हैं, कल हम इसका दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं जो हमारा सबसे पहला फ्रूट है, जो सबसे पहली वेजिटेबल है, वो है ब्रेड फ्रूट। नाम से कंफ्यूज नहीं होना, देखने में ये कुछ कुछ ऐसे लगता है कि जैसे ये जैक फ्रूट हो, जैक फ्रूट वही अपना कटहल, कटहल जैसा ये देखने में लगता है, लेकिन कटहल बहुत बड़ा बड़ा होता है, ये ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। इसको फ्रूट नाम से कन्फ्यूज़ नहीं हो जाना कि ये कहीं फ्रूट तो नहीं है, ये है वेजिटेबल। अगर इसके बोटेनिकल नेम की बात करें तो इसका जो बोटेनिकल नेम होता है वो होता है आर्ट्रोकार्पस एल्टिलिस, आटोकार्पस एल्टिलिस। आटोकार्पस हेट्रोफिलस जो होता है वो जैक फ्रूट होता है, उसी की फैमिली से ये भी आता है। अगर इसके नेटिव प्लेस की बात करें कि इसका ओरिजिन प्लेस क्या होता है, तो इसका जो ओरिजिन प्लेस है वो मलेशिया होता है। अगर हम इसकी फैमिली की बात करें तो मोरिसी फैमिली से ये बिलोंग करता है, और इसके अंदर जो 2N क्रोमोजोम नंबर होते हैं वो 56 पाए जाते हैं, 56 क्रोमोजोम नंबर इसके अंदर पाए जाते हैं। अगर हम वेराइटीज़ की बात करें तो ब्रेड फ्रूट की एक बहुत अच्छी और पॉपुलर वेराइटी है जिसको हम येलो हार्ट के नाम से जानते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वेराइटी है ब्रेड फ्रूट की। इसके अंदर स्टिमुलेटिव पार्थिनोकार्पी पाई जाती है, जिसकी वजह से इसमें सीड नहीं बनते हैं, इसके अंदर जो सीड नहीं बनता, जैसे आपने जैक फ्रूट देखा हो तो जैक फ्रूट में ढेर सारे सीड्स होते हैं, इसमें सीड नहीं होता है। वो क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसके अंदर स्टिमुलेटिव पार्थिनोकार्पी पाई जाती है। अब ये स्टिमुलेटिव पार्थिनोकार्पी क्या होता है, इसको अगर आपको जानना है तो आपको क्या करना है कि मैंने जो इंस्टेंट हार्टिकल्चर पढ़ाना स्टार्ट किया था, जब मैंने फ्रूट पढ़ाने से पहले, यानी कि मैंगो का जो फ्रूट पढ़ाया है मैंने, उससे जो पहले वाले लेक्चर्स हैं उसमें जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो हार्टिकल्चर्स में यूज की जाती हैं, उनको मैंने वहाँ पर डिटेल में पढ़ाया था। तो मैंने वहाँ बताया था पार्थिनोकार्पी क्या होती है, वेजिटेटिव पार्थिनोकार्पी क्या होती है, स्टिमुलेटिव पार्थिनोकार्पी क्या होती है, और डिफरेंट टाइप के एपोमेक्सिस क्या होता है, ये सब मैंने वहाँ सब डिटेल में अच्छे से बताया है। तो अगर आप चाहें तो वहाँ से जाकर देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसका जो प्रोपोगेशन होता है, इसका प्रोपोगेशन रूट कटिंग के द्वारा होता है। इसका जो रूट्स होती हैं इसके प्लांट्स की, इसके रूट्स को ला के कटिंग लगाते हैं जिससे एक नया पौधा ग्रो हो जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो आपकी जो अगली क्रॉप है ड्रम स्टिक, ठीक, ड्रम स्टिक की बात करें तो इसको हम गाँव में सहजन के नाम से भी जानते हैं। हाँ, ये आप लोगों के लिए एक छोटी सी सूचना है कि मैंने एक यूट्यूब का एक दूसरा चैनल बनाया है जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और मेरे इस चैनल पर जिस पे आप वीडियो देख रहे हैं उस चैनल के होम पेज पर भी उस चैनल की लिंक मिल जाएगी। चैनल का नाम है सही बात है, वहाँ पर भी मैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड वीडियो डालूंगा आने वाले फ्यूचर में। अभी तो मैं उस पर करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ न्यूज होती हैं उस पर रिलेटेड वीडियो डालता हूँ, लेकिन आने वाले फ्यूचर में जैसे ही मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे वैसे ही मैं उस पर एक डेडिकेटेड कम्पिटिटिव एग्रीकल्चर के लिए क्लासेस स्टार्ट करूंगा मैं और मेरे साथी मिलकर। तो आप लोग अगर चैनल पर नहीं है, उस पर अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर ले। चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर से शुरू करते हैं यहाँ से ड्रम स्टिक को पढ़ना। वहाँ से यहाँ आते हैं, सूचना जो थी वो ख़त्म हुई, कर लेना यार, थोड़ा सा सपोर्ट कर दो। ड्रम स्टिक जो होता है उसका जो बोटेनिकल नेम होता है वो होता है मोरिंगा ओलियोफेरा। क्या होता है? मोरिंगा ओलियोफेरा, इसको हम सहजन भी बोलते हैं। इसका जो ड्रम स्टिक होती है, नाम से पता चल रहा है कि जैसे ड्रम बजाने वाला, देखना देखा होगा आपने, जो एक म्यूजिक बजाने वाला एक ड्रम होता है, ड्रम पैड जो होता है उसको बजाने के लिए एक स्टिक ली जाती है, उसी टाइप की एक स्टिक होती है, इसलिए इसका नाम ही पड़ गया ड्रम स्टिक। इसको हिंदी में कहते हैं सहजन, ठीक, गाँव में इसको सहजन बोला जाता है। अगर इसकी फैमिली की बात करें तो इसकी जो फैमिली होती है वो मोरिंगेसी फैमिली होती है। इसके अगर ओरिजिन प्लेस की बात करें तो इंडिया या अफ्रीका, दोनों में से कोई एक इसका ओरिजिन प्लेस हो सकता है, कुछ कंफर्म नहीं है कि कौन सा है। इंडिया भी कहीं कहीं देखने को मिलता है और अफ्रीका भी देखने को मिलता है।
उसके बाद अगर हम बात करें इन इंडिया इट इज कॉमर्शियली ग्रोन इन तमिलनाडु, इसको कॉमर्शियल स्केल पर बहुत कम ग्रो किया जाता है पूरे इंडिया में। कहीं कहीं पर एक आध पेड़ किसी गांव में एक दो पेड़ देखने को मिल जाते हैं और उसी एक दो पेड़ से पूरा गांव साल भर में दो तीन बार सब्जी बना के खा लेता है। अगर इसके कॉमर्शियल की बात करें तो कॉमर्शियल रूप से तमिलनाडु जो है वहाँ पर यह कॉमर्शियली ग्रो किया जाता है, जहाँ पर इसको बेचने की निस्बत से ग्रो करते हैं। ये एक डेसीडुअस क्रॉप होता है, मतलब एक समय ऐसा आ जाता है पेड़ को देखने पर लगता है कि जैसे ये पेड़ बिल्कुल सूख गया है, पेड़ में ना एक पत्ती होगी, ना तो कोई सहजन होगा जिसको हम ड्रमस्टिक बोलते हैं, कुछ नहीं होगा, केवल पेड़ और उसकी जो ब्रांचेज होंगी वो पूरी सूखी सूखी लकड़ी जैसी दिखाई देती हैं। ऐसा लगता है कि जैसे वो पेड़ सूख गया है, क्योंकि वो डेसीडुअस नेचर का होता है, एक समय वो अपनी जितनी पत्तियाँ होती हैं सब गिरा देता है। अगर हम ड्रमस्टिक की बात करें तो इसका जो फ्लावर होता है, इसके फ्लावर का जो कलर होता है ये वाइट कलर का होता है, और इसका जो प्रोपोगेशन होता है वो लिम्ब कटिंग पेरानियल, इसकी जो लिम्ब कटिंग होती है वहाँ से इसका जो कटिंग लगाते हैं, इसकी जो लिम्ब होती है उसको काट के लगा देते हैं ज़मीन में, और ये एक अच्छा फिर से ड्रमस्टिक का प्लांट तैयार कर देता है। इसका जो सीड होता है वो एनुअल सीड होता है, मतलब साल भर में एक बार इसके अंदर सीडलिंग होती है, जो ड्रमस्टिक होता है उसके अंदर सीड बनता है साल भर में एक बार, तो उससे भी अगर आप चाहें तो प्रोपोगेशन कर सकते हैं। उसके बाद ये एक ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप होती है, इसको इरीगेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा सा पेड़ होता है, जैसे आम वाम का पेड़ होता है उस तरीके से बड़ा सा पेड़ होता है, तो इसको आपको सिंचाई विचाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पानी जो बरसता है या ज़मीन में बहुत नीचे तक इसकी जड़ जाती है तो वहाँ से यह प्रॉपर अपना जो रिक्वायरमेंट है वाटर की वो ले लेता है, आपको अलग से पानी देने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसकी जो वेराइटीज़ की बात करें तो इसकी एक वेराइटी है जफना और PKM1 एंड PKM2, ये दो तीन वेराइटी इसकी मानी जाती हैं काफ़ी एग्जाम में, लेकिन ये पूछा नहीं जाता है ज़्यादातर, इसका ड्रम स्टिक का बोटेनिकल नेम ये सब पूछा जाता है, ये कॉमर्शली कहाँ ग्रो किया जाता है ये सब ज़्यादा उससे पूछे जाते हैं। अगर हम इसके फ्रूट वेट की बात करें तो 130 ग्राम कंटेंट 20 से 30 सीड ईच, मतलब इसका जो फ्रूट का इसका वेट होता है 20 से 30 ग्राम अगर सीड आप ले लेंगे तो वो लगभग 230 ग्राम का सीड हो जाएगा, मतलब इतना वजन होता है इसके सीड में, सीड का भी इसका बड़ा बड़ा होता है, तो इसके 10 से 20 सीड का जो वजन होता है वो कितना होता है 230 ग्राम के आसपास होता है। फिर उसके बाद जो आपकी अगली क्रॉप है वो है एस्फरेगस। एस्फरेगस जो आपकी फसल है वो इस तरीके से दिखती है, इसका जो बोटेनिकल नेम होता है वो होता है एस्फरेगस ऑफिसिनेलिस। एस्फरेगस ऑफिसिनेलिस इज द बोटेनिकल नेम ऑफ एस्फरेगस। अगर इसकी हम फैमिली की बात करें तो ये लिलिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। इसके ओरिजिन प्लेस की हम बात करें तो यूरोप और एशिया, इसका भी दो ओरिजिन प्लेस माना जाता है, कहीं कहीं पर एशिया देखने को मिलता है और कहीं कहीं पर यूरोप भी देखने को मिलता है। मोस्ट सीरियस डिजीज इसके अंदर जो लगता है वो एस्फरेगस रॉट लगता है, इसके अंदर रॉटिंग होने लगती है, यानी कैसे समझो कि ये रॉटिंग वाली जो सिम्टम होता है वो लगने लगता है एस्फरेगस में, काफ़ी सीरियस डिजीज मानी जाती है। इसको ग्रो करने का जो ऑप्टिमम सॉइल पीएच होता है वो होता है 6 से 6.5 के बीच, अगर 6 से 6.5 के आसपास में, या ऐसे समझो कि न्यूट्रल सॉइल है जिसका पीएच हल्का सा स्लाइटली एसिडिक सॉइल है तो अच्छा माना जाता है एस्फरेगस को ग्रो करने के लिए। इसके बाद अगर हम बात करें तो टेंडर सूट जो इसका होता है जिसको हम स्पेयर्स बोलते हैं, यही इसको यूज किया जाता है खाने के लिए, ये जो आपका होता है टेंडर सूट इसी को हम बोलते हैं, ये वाला जो आपका पार्ट होता है इसी को बोलते हैं स्पेयर्स, यही यूज किया जाता है एज ए वेजिटेबल। इसके बाद स्पेयर्स जो होता है इसके अंदर एक कंटेंट पाया जाता है जिसका नाम होता है एस्पेरेजिन, ये यूज किया जाता है मेडिसिन के रूप में, किसको, जो ड्यूरेटिक पेशेंट होता है या कार्डियक पेशेंट जो होता है या क्रॉनिक डिजीज से कोई अगर ग्रसित आदमी है तो उसके लिए, चाहे ड्यूरेटिक हो चाहे कार्डियक कोई पेशेंट हो या क्रॉनिक कोई डिजीज का अगर कोई पेशेंट है तो उसके लिए जो एस्पेरेगस इसके अंदर जो कंटेंट पाया जाता है इसके स्पेयर्स में वो काफ़ी अच्छा माना जाता है। इसके बाद अगर हम ब्लांचिंग इज डन टू प्रोड्यूस व्हाइट एस्पेरेगस, इसके अंदर ब्लांचिंग करते हैं, ब्लांचिंग करने से क्या हो जाता है कि हमको व्हाइट एस्पेरेगस मिलता है, जो एस्पेरेगस होता है वो बिल्कुल व्हाइट कलर का मिलता है जिससे वो देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। अगर हम इसके रियर यील्ड की बात करें, वैसे स्टार्ट हो जाता है इसकी जो यील्ड होती है वो 1 साल के आसपास में स्टार्ट हो जाता है, 1 साल 2 साल के आसपास में इसका जो यील्ड होता है वो अच्छी यील्ड देना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अगर हम इसके रियल यील्ड की बात करें कि हाँ एकदम बिल्कुल मैक्सिमम यील्ड कब आपको मिल सकती है, तो 3 साल प्लांटिंग के 3 साल बाद इसकी जो रियल यील्ड है
वो हमको देखने को मिलती है। उसके बाद अगर हम बात करें तो एक अलग सी क्रॉप है जिसका नाम है ग्लोब आर्टीचोक। इससे पहले मैंने एक जेरूसलम आर्टीचोक पढ़ाया था, वो एक ट्यूबर क्रॉप थी, लेकिन ये जो ग्लोब आर्टीचोक है ये पैरानियल वेजिटेबल वाली क्रॉप है। इसका हम रूट नहीं खाते हैं, इसका हम दूसरे को चीज़ खाते हैं, समझ गए। तो इसका जो बोटेनिकल नेम होता है वो होता है साइनारा इस्कोलाइमस। क्या होता है? साइनारा इस्कोलाइमस इसका बोटेनिकल नेम होता है। किसका बोटेनिकल नेम होता है? ग्लोब आर्टीचोक का। ग्लोब आर्टीचोक का जो बोटेनिकल नेम होता है वो होता है साइनारा इस्कोलाइमस। ठीक, इसकी अगर हम फैमिली की बात करें तो ये कंपोजिटिव जो फैमिली होती है वहाँ से बिलोंग करता है। इसका जो प्रोपोगेशन होता है वो शकर के द्वारा इसको प्रोपोगेट किया जाता है। इसकी वैरायटी होती है एक बुल और एक होता है टुडेला, ये दो वैरायटीज होती हैं। इसका जो एडिबल पार्ट होता है ये फ्लावर का जो बड होता है उसको हम खाते हैं। ये फ्लावर का जो बड है इसको खाते हैं, मतलब ये जो फ्लावर है ऐसा समझो कि ये अभी जो फ्लावर है ये मैच्योर नहीं हुआ है, अभी देखो ये खुला नहीं है सही से, तो इसका जो ये बड होता है इसी को हम खाते हैं, इसका हम ट्यूबर नहीं खाते हैं। नहीं, आर्टीचोक समझ के कन्फ्यूज़ हो जाओ, जो जेरूसलम आर्टीचोक है उसका हम ट्यूबर खाते हैं, और ये जो ग्लोब आर्टीचोक होता है इसका एडिबल पार्ट आपका जो फ्लावर बड होता है वो माना जाता है। ठीक, रिसेप्टिकल जिसको हार्ट बोलते हैं, यूज फॉर कैनिंग। इसके जो थिक रिसेप्टिकल्स होते हैं उसको यूज किया जाता है कैनिंग के लिए, यानी कि डिब्बा बंदी के लिए यूज किया जाता है। तो आपकी ये जो दो क्रॉप थी वो ख़त्म हुई। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। आपके जो भी सुझाव हों कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मेरा जो दूसरा चैनल है उसको भी थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए, थोड़ा सा मोटिवेशन आ जाए मुझे भी। और मिलते हैं तब तक दूसरी वीडियो में, इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।